बात है भाभी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पता नहीं यार मेरे विजय भैया का क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मुझसे रूडली बात करते हैं। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, पता नहीं इतनी कड़वाहट क्यों है उनके नेचर में। ये कैसा नेचर है? निगम में मां सिर्फ ये सोचकर गई थी कि विजय भैया परेशान है, मैं जाकर कुछ मदद करूं। जानती हो उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम यहां से जाओ, अपना काम करो और मेरे काम के बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। निगम से तो कोई अपने दुश्मन से भी बात नहीं करता है। हम उनके स्वभाव को तो नहीं बदल सकते हैं ना, लेकिन आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्हें आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन लेकिन आपने देखा नहीं कि वो मेरे साथ कैसे बात करते हैं? मेरा अगर कोई एकाध बार ऐसे बात करे ना तो हम समझ सकते हैं कि इंसान गुस्से में था इसलिए कुछ कह दिया, लेकिन वो तो हर बार ऐसे ही बात करते। आखिर कब तक तो कोई बर्दाश्त करेगा? हाँ, उनके मन में ना तो किसी के लिए फीलिंग्स है ना कोई रिस्पेक्ट है। भाभी जाने दीजिए ना, ये सही समय नहीं है इन सब बातों को डिस्कस करने का। इसी बात का तो डर है मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि समय आने तक सब कुछ खत्म हो जाए। भैया सिर्फ अकड़पन से काम नहीं चलता है, और वैसे ही बाबा के बिना हम सब कमजोर हो गए। और वो भाई साहब तो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है। भाभी आप प्लीज अपना पेशेंस मत लूज कीजिए, वैसे भी इस वक्त आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाबा हमारे यहाँ बुजुर्गों को इज्जत से बोलते हैं। लगता है कि अमरकांत के घर वाले काफी सगे हैं आपके, इज्जत करते हैं आपके। जब तक अमरकांत जिंदा थे आप उनके काफी करीबी थे और काफी गलत सही काम किया आपने उनके लिए, और अब विजयकांत के आने पर बुजुर्ग होकर भी आप वही काम कर रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आते, ये बताइए कि आपने दिनकर जी की हत्या कैसे की? सही सही लगता है कि आप कुछ बोलने के मूड में नहीं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। चाहे आप ऐसे बोलें या फिर वैसे हम बुलवाएं जैसे पुलिस बुलवाती है, मर्जी आपकी, चॉइस इज योर्स, पर बोलना पड़ेगा। क्यों बनवा? यस सर। क्या करोगे? पुलिस का थर्ड डिग्री दोगे हमको? टॉर्चर करोगे? जी हाँ। अब क्या लगता है कि ये सब यहाँ पे आपकी मेहमान नवाजी के लिए आए? अमित कुमार, अगर हमें एक उंगली उठा देना तो तुम यहां से वापस अपने घर नहीं जा पाओगे, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं घर जाओ और आराम करो। तुम हमको गिरफ्तार कर लिया, यह बहुत बड़ा कामयाबी है तुम्हारा। पहला बात, तुम कुछ भी कर लो लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। दूसरा बात, जो थप्पड़ मारे हो ना हमको, इसका रसीद तुम्हारा अगला 3 पीढ़ी तक को पहुंचाते रहेंगे, इस बात का खातरी देते हैं तुमको। मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करो, सुना है ना, जान है तो जहान है। अभी फिलहाल अपनी जान की चिंता कीजिए। धमकी दे रहे हो हमको? नहीं,
समझा रहा हूँ। अच्छा आपको क्या लगता है कि आप अपनी जुबान नहीं खोलेंगे तो आपके ऊपर लगे हुए आरोप साबित नहीं होंगे? मेरे पास ऐसे गवाह हैं जिनकी गवाही आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा देगी, समझे? कराने चला था ना? हाँ, आजकल वकालत छोड़ के पंडित ही सोच रहा है। वो साला इतना औकात से नहीं पता है बेचारा। हाँ, अपना तो सर मल नहीं रहा। अरे छोड़ो, मेरा ब्याह कराने चला है रे। अरे आप चाल मार देंगे। अरे मैं जा रहा हूँ पता। अरे भैया जी, कहाँ हुआ? अरे भैया जी, क्या करेगा? मार देगा। देख रहे हैं ना आप लोग, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? एक तो हम कहाँ कहाँ से खोद कर एक पंडित पुजारी की बेटी का ब्याह इसे ठेक कराने गए, और ये हमारा एहसान मानने के बदले हमारा जान लेने पर तुले। अरे बत्ती मारी गई थी अपनी एहसान करने चले थे साला, अपना जिंदगी तो कभी संभला नहीं। ठीक आ गया भैया, भलाई का जमाना नहीं रहा, हम चले थे होम करने और अपने यहाँ चला सके। अरे साला, होम हवान पुजारी के बेटी के यहाँ करना? अरे दमाद है ना रे, दमाद है तो दमाद की तरह हो। दोबारा शादी कराने का कोशिश की हो तो गली का कुत्ता बना के मारेंगे साले। अरे साला बाप का ना छोड़ा था है? बड़ा मजा आया ना रे साला, काम परेदारी कोई ठीक नहीं। चल साला बस। ये तो साला सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगा, सब मामला उल्टा पड़ गया। ब्याह कराने के नाम पर गज्जू से 50,000 एडवांस भी खींच चुके हैं, ऐसे तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। अब कुछ नया गेम खेलना पड़ेगा। ए सीमा, सीमा रानी, अरे कहाँ हो? और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको सही सलामत मेरे पास भेज दिया। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपके अपहरण का खबर सुन के मैं कितनी घबरा गई थी। पता है मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। हम कौन सा गद्दा पे सोए हुए थे जानती हो? हमको भी तुम्हारे बिना नींद नहीं आता। ठीक कह रहे हैं आप, आजकल हमें भी लगता है ना कि हम दोनों अलग रह ही नहीं सकते, लेकिन आपके अपहरण के बाद ना मेरे मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे और मैंने एक सपना भी देखा। तब से ना मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कैसा घबराहट? मैंने सपने में देखा कि आप दोनों भाई में झगड़ा हो गया है और पुत्र ने आपको गोली मार दी। तुम भी ना उल्टा पुल्टा सपना देखते रहती हो। अच्छा ये बताओ, हमको पुत्र वहां काहे गोली मारेगा? हमको क्या पता, हमने जो देखा वही बता दिया। लेकिन सब लोग बोलते हैं ना सुबह का देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। अरे तुम भी ना एकदम बेकार वाला बात करती हो। आपको ये लगता होगा लेकिन इस बात की खबर हमको पहले से ही थी। कैसी बात की? यही कि पुत्र ने ही आपके बारे में विजय कान को बताया था, इसलिए तो आपका किडनैप हुआ। ये क्या कर रही है तुम? हाँ, ये कहाँ से सुनी तुम? कौन बताया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कान में आ गया। अच्छा कान में पड़ गया? हाँ। कौन बोल रहा था तो बताओ ना। कौन कह रहा था? ए सुन, जल्दी बताओ,
बताओ ना कौन बोल रहा था? हमें नहीं पता। पता नहीं है तो कहाँ गया था अकेले? सब हमारे पीछे। ए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ ना। हम आपसे इतना प्यार करते हैं। प्यार करते? हम आप पे जान देते हैं और आप हैं कि हमको ही गाली दिए जा रहे हो। ठीक है मार डालो हमको। आप मेरा गला दबा दो ना, हम जिंदा रहेंगे और ना हमारे कारण आपको परेशानी होगी। मार डालिए हमको। अरे तुम भी ना काहे के लिए बेकार का बात करती हो? ये सिंगा, तुम बेकार का बात करती हो तो ना मेरा मूड खराब हो जाता है। आप बैठो। अच्छा बताओ कौन बोल रहा है? कौन बोला था ये सब? छोड़िए ना आप, इससे ज्यादा जरूरी बात है कि हमको ना आपकी बहुत फिक्र लगी रहती है। लेकिन एक बात पे ना जरूर गौर करना कि तुम्हारे किडनैपिंग में पुत्तन का हाथ था या नहीं। भगवान ना करे ये बात सच हो, लेकिन आजकल तो कुछ भी हो सकता है। भाई को भाई का दुश्मन बनने में भी देर नहीं लगती है ना। के चक्कर में सारा सारा दिन पड़ा रहते हैं। हाँ कहाँ बता, ये लो पूछ लीजिए। अरे ये पुत्तन। हाँ। ये बिंदा के कहाँ नौटंकी चल रहा बा? नौटंकी? कौन नौटंकी? तो हम कुछ पूछ नहीं ना। देखा पुत्तन, हमरा संगे ज्यादा नाटक करे के जरूरत नहीं है। चोर के चोरी छिपावे वाला भी चोर कहल जाला। अब हम जे पूछत आनी ओकरा साफ साफ जवाब दे हमरा के। बिंदा रोज जाला चमकी भाई के कोठा पर सीमा से मिले? दीदी अब का बताई हम अच्छा बोल के तू ही पूछ ले लू, हम तो बताही वाला नहीं है। एक दिन ही आखिरी बात कितना दिन छिपी? अरे सीधे सीधे बताइए कि बिंदा महाराज का रासलीला आजकल रोजे चल रहा है ना। अरे का बताए मेहमान, वो रोजे जाकर बैठा रहता है वही चमकी कोठा पे और यही के चलते तू ब्याह करने से मना कर रहा है। अच्छा तो यही बात है तो पुत्तन एक काम करा, वो दोनों महतारी बेटी के उठा के लाओ आइया। हम मिजाज दुरुस्त करता नहीं दोनों के। अब खड़ा खड़ा मुंह का देखा तारा, जा यहां से। दीदी वो बिंदवा अभी मुंह में बैठल हुई, वो आवे ना दी। अरे लावे कैसे ना दी, ये हमारा ऑर्डर बा। और बिंदा तनी टेटे पेपे करे तो सीधा हमरा से फोन पे बात करा दिया, और तब वो अगर ना माने ससुरा के दो कान के नीचे बजावे के पड़ी, समझ गए ले? और तोरा के डरे के कोनो जरूरत नहीं है। अपना आदमी सबके साथ निश्चिंत होके जा, दोनों माए बेटी के घसीट के लावा आइया। ठीक बा, जब तोरे ऑर्डर बात चिंता है कोनो बात नहीं है। बुझो कि हम गई नहीं और वो दोनों छिनाल के लगे आज तनी बस। बिंदा आवे थे महतारी बेटी के, हम औकात दिखावत आए। भैया जी बाबा का चिट्ठी भीतर से भिजवाएं। भैया विजय कैसे हो? विजय यहाँ हम एक सिपाही को फोड़ लिए हैं, उसी के जरिए चिट्ठी तुम तक पहुंचा होगा। आगे भी वो चिट्ठी लाता जाता रहेगा। अभी तुमको इतना समझाना है कि तीन बात का पूरा ध्यान रखना। पहला ये कि मेघा का ब्याह एकदम टाइम से हो जाना चाहिए। दूसरा खर्चा निकलते वक्त तुमको अब हमेशा बहुत सावधान रहना है। और तीसरा कि कोर्ट में पहुंचते से पहले वो कबूतर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। हमारा ये तीन बात जरूर ध्यान रखना। कोर्ट में हमारे पैसे के बाद तुम हमसे मिलने आ सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले अमित कुमार हमको किसी से मिलने नहीं देगा, वो यहाँ हम पर हाथ उठाया है, उससे तो हम बाद में निपट लेंगे। बस तुम अपना ख्याल रखना बाबा।
भी जाके साले को लूला बना दे, दोनों हाथ काट दे आरामी का। भैया जी, बाबा कहलवाएं कि अभी हम लोग को इस सब बात पर जरा भी ध्यान नहीं देना, हम लोग को अभी चुप रहना ही ठीक होगा। समझ रहा है बाबा ने, सब समझ रहा है, लेकिन अपना भी वक्त आएगा भवानी, जरूर आएगा। हाँ, तभी अमित कुमार अपना करने पर बहुत पछताएगा। सो तो है ये, बाकी अभी करना कहाँ है? पहले तो बिंदा को पकड़ना पड़ेगा, ना फिर वो कबूतर उदय का उसके पिंजड़ा में इलाज करना पड़ेगा।